राजा अंधार रहते हैं, धृतराष्ट्र जब अंधा रहते थे उस समय द्रौपदी की बस्तरण हुई थी। आज भी राजा अंधे बैठे हैं, इसलिए किसी को नाम नहीं लिया मैं तो इसलिए जहां राजा अंधा बैठे रहते वहां द्रौपदी की बस्तरण, चाहे वो हस्तिनापुर में हो चाहे वो मणिपुर में हो, होते ही रहते। मणिपुर मान्य अध्यक्ष जी में कोई फर्क नहीं रहता। आपने एक अपील की थी कि आइधर और साइड से बहस को शांति से सुना जाए, हम बड़े धैर्यपूर्वक सुनते गए। उन्होंने कहा कि हमने ब्रिटिश की कार्यपद्धति हमारी संसद ने अडॉप्ट की है, पूरे देश का अपमान किया, हम चुपचाप बैठे रहे। हमारी संविधान सभा ने ये पूरी प्रक्रिया तय की है, स्वीकार करी है। आगे मान्य अध्यक्ष जी, इसके बाद भी अनर्गल बोलते रहे। अब मैं अभी ये जो प्रयास कर रहे हैं उनकी पार्टी ने उनको समय नहीं दिया। मेरे बोलने के साथ बात दिया जाएगा। आपने समय दिया सर, इसमें कुछ स्कोर करना चाहते हैं, कुछ मान्यता। मगर मान्य अध्यक्ष जी, इस सदन की एक गरिमा है, देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में जिस प्रकार का ये उल्लेख कर रहे हैं, मुझे लगता है ये विपक्ष के नेता के लिए शोभा नहीं देता। आपने उनको या तो कंट्रोल करना चाहिए या तो ट्रेजरी बैंक के एमपी भी ये नहीं सुन पाए। अमित शाह जी, आप थोड़ा बैठे, प्रधानमंत्री के गुस्सा नहीं आता आपको, क्यों आते हैं इतना? किसी को गुस्सा नहीं आते, तो चर्चा की मुद्दा है। आप मुद्दा पे बोलिए सर। मुद्दा पे तो बोलते हैं सर। हाँ। बहुत दिन पहले सुना, इस देश से हजारों करोड़ रुपया लूटकर नीरव मोदी भागे थे, किसी ने उनको पकड़ नहीं सके। हमारे एनडीए सरकार की इतना ताकत, उन्हें छू नहीं सके। वो कैरिबियन समुद्र की बीच में मस्ती करते देखा जाते हैं, जो मर्जी वो कहते रहते। तो मैंने सोचा कि नीरव मोदी सारे जिंदगी के लिए हमारे से दूर चले गए, लेकिन अब पता चला नीरव मोदी दूर नहीं गए। मणिपुर की घटना देखने के बाद मुझे यह पता चला नीरव मोदी यहाँ हिंदुस्तान में जिंदा है, और नरेंद्र मोदी नीरव मोदी बनके अभी भी चुपचाप अपने चुप्पी साधे होकर बैठे हैं। सर, इनको माफी मांगना चाहिए, इनका पार्टी इनको समय नहीं दिया। जैसे गृहमंत्री ने बताया, समय हमारे पार्टी से लिया है, और अभी इनका अभी लेकर क्या क्या बात कर रहे हैं सर, चांद से लेकर सर, ये अनाप शनाप बात नहीं चलेगा सर। चीता तक ये नीरव मोदी को लोन पे इन लोगों ने दिया है, कांग्रेस पार्टी ने दिए है। सदन है, आप मुद्दों पे बोलिए। मैं तो ये मेटाफोरिकली बोला, सदन के अंदर मेटाफोरिकली लोन कौन दिया, लोन कौन दिया, कोई गलत। अरे अधीर बाबू, लोन कौन दिया बताइए, आपके ऑफिसर फोन करके लोन दिवाए नीरव मोदी को, क्या बात कर रहे हैं? अगर आप सत्ता में रहते तो नीरव मोदी इधर रहता था, उनको लोन वसूली करने के लिए हमने कोशिश की, हमारा सरकार इसीलिए भाग गए हैं। उदाहरण की तरह बोले सर, बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री चाहे चांद हो और चाहे कूनो फोर्स की चीता हो, चांद हो ये कूनो फोर्स की चीता हो, हर चीज में प्लीज जाइए अपने अपनी सीट पे। प्लीज सर, आप बड़े पे बोलिए, बड़े दावे की साथ कह सकता हूँ सर, आप मैं किसी को आहत करने के लिए, आप मुद्दे पे बोलिए ना, चोट पहुंचाने के लिए मैं एक शब्द नहीं कहते। अच्छा, आप लोग बड़े खैमी हो रहे हैं, ये
हम ये कहना चाहते हैं कि चांद से लेकर पूनो फॉरेस्ट की चीता तक हर चीज में हमारे प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोलते संयम रखिए। मणिपुर के बारे में उन्हें चुप्पी सारी रहे, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, यही हम जाहिर करना चाहते हैं।